हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो मेरे पास यहाँ पे किसान इंजीनियरिंग की एक बुक जिसमें हमें SWG वायर डाटा कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और साथ ही सीलिंग फैन वाइंडिंग डाटा भी देखने को मिलता है, जो कि आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आपको ये डाटा यूज़ करना है और साथ ही आपको ये डाटा भी शेयर करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वायर डाटा चेंज करने के लिए जो कॉम्बिनेशन दिए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाटा ऑफ वायर और यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और यहाँ पे देखिए SWG यहाँ पे पूरे आपको यहाँ पे गेज देखने को मिल जाएंगे 10 से लेके 24 नंबर तक यहाँ पे पूरे गेज दिए हुए और साथ ही उसके सामने यहाँ पे उसके कॉम्बिनेशन दिए हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई मोटर आई और उसके अंदर 19 नंबर वायर निकलता है, 19 नंबर वायर बहुत ज़्यादा मोटा है, तो ये जी अगर मैं इससे रिवाइंडिंग करता हूँ और स्लॉट इसकी थोड़ी बारीक रहती है तो मुझे हार्ड जाएगी मोटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे जो है वायर को डबल या ट्रिपल कर दूंगा। तो यहाँ पे डबल करने के लिए यहाँ पे वायर गेज दिए हुआ है, जैसे कि 22+22 अगर मैं ये दोनों वायर को मिला के यूज़ करता हूँ तो ये 19 नंबर वायर बनता है और यहाँ पे 21+23 भी दिया हुआ है। अगर आप ये यूज़ करना चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल में अगर यूज़ करना चाहे तो यहाँ पे 23+23+24 इस तरीके से भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दूसरा कोई और डाटा दिखा देता हूँ, जैसे कि 16 नंबर वायर है कोई मोटर में और 16 नंबर बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो फिर यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे उठा सकते हो, जैसे कि 18+19 यहाँ पे डबल लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर वायर बन जाएगा, या फिर ट्रिपल में यूज़ करना चाहते हैं, ट्रिपल में यूज़ करना चाहते हैं, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए 4 टाइम का भी दिया हुआ है, 21+21+21 यानी कि 21 नंबर वायर को अगर 4 बार लपेट यानी कि 4 बार एक साथ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका 16 नंबर वायर बनता है। ये तो बहुत बड़ी मोटर की बात है, लेकिन ये मैं आपको चार्ट दे दूंगा, ये आपके काम में आ सकता है। जो यहाँ पे 18 नंबर के पास से जो ये ज़्यादातर यूज़ में आ सकते हैं, मैंने भी बहुत बार ये 19 नंबर 20 नंबर को किया है, तो आप ये डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HD क्वालिटी में इमेज डाल दूंगा और जो भी अभी फैन का बताऊंगा उसका भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सीलिंग फैन डाटा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सीलिंग फैन वाइंडिंग का डाटा देखने को मिलता है और ये मैंने बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ किया हुआ है, ये डाटा जो है वर्क करता है, फेक डाटा ये नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको कंपनी देखने को मिल जाती है, जैसे कि ओरियंट, क्रॉम्पटन, उषा, बजाज, यहाँ पे पूरे कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर आप कंपनी से नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे साइज़ ऑफ फैन यानी कि फ़ैन की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है 48 इंच, 36 इंच, 42 इंच, ये भी इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, ये दोनों कंपनी और इसको आप साइड में भी रखें तो चलेगा। मेन डाटा हमारा यहाँ से शुरू होता है जो कि स्टैम्पिंग साइज़ है और यहाँ से हमें जो है ये डाटा स्टेटर में लगाना होता है। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि स्टैम्पिंग साइज़, तो ये जो साइज़ होती है हमारी कोर साइज़ होती है वाइंडिंग स्टेटर की। तो जैसे कि मेरे पास में एक स्टेटर है, आप ये स्टेटर का आपको वाइंडिंग डाटा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में माइक्रोमीटर या स्केल है तो वो ले लेना, मेरे पास अभी माइक्रोमीटर नहीं है, मैं स्केल से बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए MM में यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा इस तरीके से लगाऊंगा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे MM कितना 13 mm का भर रहा है ये स्टेटर, यानी कि जो इसकी स्टैम्पिंग साइज़ है वो 13 mm भर रही है। अब मैं इसका डाटा कैसे सर्च करूँगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा 13 mm कहाँ पर है, 13 mm, जैसे कि यहाँ पे देखिए 13 mm है, हमें जो इसकी कोर साइज़ मिल गई। अब हमें ये पता लगाना है, उसके बाद में आ जाता है हमारा स्टार्टिंग टोटल कॉइल, यानी कि स्टार्टिंग में और रनिंग में टोटल कॉइलें कौन थी कितने वो आपको गिन लेनी है। तो ये जो स्लॉट है आपको ये स्लॉट गिन लेनी है, तो यहाँ पे नीचे 14 स्लॉट है, ऊपर पे 14 स्लॉट है, यानी कि 28 टोटल इसमें कॉइल होती है, यानी कि 14+14 सही है हमारा, नीचे 14 कॉइल है और ऊपर 14 कॉइल है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉइल हमारा 13 mm हमने साइज ले लिया था, टोटल कॉइल हमारे 14 है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में, और इसके सामने यहाँ पे उसके टर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग टर्न कॉइल, तो हमारा जो 13 mm का स्टैम्पिंग साइज, 14 नीचे स्लॉट है हमारी यानी कि कॉइल है टोटल, और इसके अंदर में जो टर्न है वो लगाने होंगे 400, और उसके सामने यहाँ पे दिया हुआ है गेज 36 नंबर, यहाँ पे गेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वायर गेज, तो यहाँ पे आपको 36 नंबर वायर यूज़ करना होगा स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग में। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे रनिंग वाला, रनिंग टोटल कॉइल कितने हमारे, वो भी 14 कॉइल है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम 14 कॉइल को ले लेंगे, और उसके सामने यहाँ पे टर्न दिए हुए, तो यहाँ पे 430 टर्न हमें एक कॉइल में डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टर्न भी लिखा हुआ है, रनिंग वाइंडिंग टोटल टर्न, और साथ ही उसका जो गेज है यहाँ पे वो भी दिया हुआ है 36 नंबर, इसमें गेज यूज होगा। इस तरीके से आप जो डाटा को निकाल सकते हैं, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारा स्टैम्पिंग साइज कितना था 13 mm, उसके बाद हमें इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्लॉट कितनी थी 14 थी, यानी कि टोटल 14 कॉइल होंगी ये। फिर इसमें टर्न जो हमें लगाने होंगे वो 400 लगाने होंगे, और जो इसमें गेज यूज़ करना है वो हमें 36 नंबर यूज़ करना है। फिर जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उसके अंदर भी 14 कॉइल है, और उसके अंदर हमें जो टर्न है 430 यूज़ करना है, और यहाँ पे 36 नंबर SWG गेज वायर है।
उसके बाद में हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे सीलिंग फैन के यहाँ पे जो डाटा है वो दिया हुआ है। तो आप जो भी अगर डाटा यूज़ करना चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर लेना। और साथ में लास्ट में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है हमारा टेबल फैन वाइंडिंग डाटा। तो यहाँ पे देखिए उसके कंपनी लिखी हुई है, कंपनी इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती, इसको आप हटा भी देंगे चलेगा। अगर यहाँ पे देखिए पुराने फैन आते थे हमारे टेबल फैन, उसके अंदर चार कॉइल आते थे, काले काले टेबल फैन आते थे छोटे से। तो यहाँ पे स्टैम्पिंग साइज दिया हुआ है उसका, साथ में यहाँ पे टर्न दिया हुआ है यहाँ पे उसका, और यहाँ पे उसका देखिए गेज भी दिया हुआ है 21 नंबर 31 नंबर 32 नंबर 28 नंबर 450 टर्न 28 नंबर SWG, यहाँ पे 8 कॉइल और स्टैम्पिंग साइज, ये मिला के जो है आप उसे बना सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए मैंने जो आपको यहाँ पे जो डाटा बताया था, यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे सब अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे कि 14 स्लॉट टर्न वगैरह सब, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, जैसे कि इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसके नीचे से जो है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कैसे। अब यहाँ पे देखिए स्लॉट, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई स्लॉट ले लेता हूँ, यानी कि 24 स्लॉट, ये 24 कॉइल, तो हमारे जो 24 कॉइल होंगे तो इसके आधे कितने होंगे, 12, यानी कि हमारा 12+12 का यहाँ पे जो है फैन का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे उसके फैन के स्टेटर की जो, यानी कि जो फैन आता है उसके साइज़ भी दिया हुआ है, ब्लेड की जो साइज़ आती है ब्लेड की साइज़ है ये। और फिर यहाँ पे MM जो है यहाँ पे स्टेटर के MM, और यहाँ पे देखिए टर्न इन्होंने और गेज यहाँ पे थोड़ा क्रॉस में कर दिया, यानी कि यहाँ पे 375 टर्न रहेंगे और 35 नंबर इसमें वायर लगेगा, और जो रनिंग वाइंडिंग है उसके अंदर 400 टर्न लगेंगे और 36 नंबर वायर लगेगा। ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी शायद इस वजह से, लेकिन पहले वाले में थोड़ा मोकला मोकला दिया था, तो मैंने अब सोचा आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे भी देखिए उस तरह से दिया हुआ है, 24 कॉइल, फैन का जो साइज़ है यानी कि ब्लेड का 36 है, स्टेटर साइज यहाँ पे 0 mm दिया है, यानी कि ये डाटा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है आपको, जो 0-0 दिया है, जिसमें आपको mm साइज़ दिया है वही डाटा आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे 28 कॉइल यानी कि 14+14, और यहाँ पे ब्लेड का साइज़ 48 इंच, 13 mm इसका जो साइज़ है स्टेटर का, और यहाँ पे देखिए 400 टन 36 नंबर वायर यूज़ करना है स्टार्टिंग वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग के अंदर 440 टन 36 नंबर वायर यूज़ करना है, इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। तो ये जितना भी मैंने आपको डाटा बताया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको HD क्वालिटी में इमेज डाल दूंगा, वहाँ से लेके आप जो ये डाटा को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक और ये अगर आपको बुक चाहिए तो ये बुक नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरा मशीन ही खरीदना पड़ेगा। अगर आप कोई सीलिंग पेन वाइंडिंग मशीन खरीदती है तो आपको उसके साथ में देखने को मिलता है। तो मैंने इस मशीन का किया है जी, 111 का अनबॉक्सिंग किया था, तो उसके साथ में मुझे ये बुक आया था। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं अभी सीलिंग पेन वाइंडिंग मशीन का, तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।